बिस्मिल्ला राय असल स्टूडेंट्स मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ आज हम ग्रेड एड का चैप्टर वन का लेक्चर देखेंगे और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने इनपुट डिवाइसेस को स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में उसके बाद हम सी के बारे में बात करेंगे और फिर मेमरी यूनिट की बात करेंगे तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर वन है जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम एंड डिवाइस आज हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइस से इनपुट डिवाइस की बात मैं आपको डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ आउटपुट डिवाइस क्या होती है जिनके थ्रू कंप्यूटर हमें डाटा प्रोवाइड करता है मीन आपने कीबोर्ड से जब ए प्रेस किया है तो आपने इनपुट डिवाइस को यूज़ किया ए प्रोसेस हो होकर किसी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या एलसीडी स्क्रीन के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर आपको जब दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि एलसीडी जो है वो क्या है वो आपकी आउटपुट डिवाइस होगी क्योंकि वो आउटपुट आपको शो कर रही है

यूज़र को तो ये चीज़ आपने याद ये कॉन्सेप्ट याद रखेगा तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको याद रहेंगी तो आउटपुट में प्रिंटर्स मॉनिटर्स और स्पीकर्स है बड़ी बड़ी एग्जांपल्स है इनको हम यूज करते हैं आपको स्क्रीन मैं शो भी मॉनिटर्स किस तरह के होते हैं और आपके स्पीकर के होते हैं अब बात करते हैं थोड़ी सी कि मोनिटर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं एक हम सीआरडी मोनिटर्स कहते हैं कैथोड रे ट्यूब मोनिटर्स एंड सेकेंड वन इज एल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स इस वक्त जो आपके यूज़ हो रहे हैं वो एल सी डी मोनीटर्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं सीआर टी मोनीटर्स पहले यूज होते थे और सीआर टी मोनीटर्स के साथ साथ जो टेलीविजन थे वो भी सी आर टी यूज होते थे लेकिन अब वो अपसलीट हो चुके अब वो नॉर्मली यूज नहीं होते सो सी आर टी मोनीटर्स आर वेरी डीप इन साइज सबसे बड़ा तो मसला था कि उनका साइज बहुत ज़्यादा था वो एनर्जी बहुत ज्यादा यूज़ करते थे तो इसलिए अब वो यूज़ नहीं होते एल सी डी मोनीटर्स आर मच थिनर यूज लेस एनर्जी एंड प्रोवाइड अ ग्रेटर ग्राफिक क्वालिटी फ्रेंड्स अब हम घरों में जो कंप्यूटर स्क्रीन के साथ एल लगाते हैं एलईडी लगाते हैं वो बेसिकली यही टाइप है तो इसका मतलब है आप आइडिया कर सकते हैं कि उनका साइज थिन होता है स्मॉल साइज होता है और उसके बाद वो एनर्जी भी कम यूज करते हैं तो इस तरह आप जो वो इन दो मॉनिटर्स को यूज कर सकते हैं तो ये थे हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सो लेट्स सी तो अभी तक हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग के बारे में क्योंकि तो मैंने बार बार ये वर्ड यूज़ किया कि इनपुट जब आप करते हैं कोई भी वैल्यू या कोई भी इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं तो प्रोसेस होके आउटपुट होती है अब प्रोसेस होने का क्या मतलब है और कौन सी डिवाइस उसको प्रोसेस करती है अब मैं उसके बारे में आपको बताने लगा तो इसको जरा अच्छी तरह समझिएगा मॉडर्न कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आई पी ओ साइकिल फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा आई पी ओ साइकिल ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वाला है आपके एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा साइकिल जो है मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज करते हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स का मतलब है कि जो कंप्यूटर्स हम आजकल यूज कर रहे हैं तो आई पी ओ आई स्टैंड फॉर इनपुट ओ स्टैंड फॉर आउटपुट और पी स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग के लिए और आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है उसको हम सी पी यू का नाम देते हैं मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अदर वर्ड्स हम उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं इस तरह हमारा भी एक ब्रेन होता है इस तरह आपके कंप्यूटर का जो ब्रेन है उसको हम सी का नाम देते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपने कंप्यूटर में इनपुट करनी है वो सी उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवाता है तो ये चीज आपने याद रखनी है सीपीयू के बेसिकली थ्री पार्ट्स होते हैं एक हम कंट्रोल यूनिट या सी का नाम देते हैं कंट्रोल यूनिट की फंक्शनलिटी ये होती है कि जितने भी फंक्शंस सीपीयू के अंदर परफॉर्म होते हैं उन तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करने का बारे में अभी डिटेल से हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं इसको मेमोरी यूनिट हमारे पास क्या है मेमरी यूनिट इज दैट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट सी पी यू यूजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्स एक चीज याद रखिए कंप्यूटर्स मैंने आपको बताया था एक डम डिवाइस है मीन आप जो उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं सिर्फ वो वही काम करेगा और कोई काम वो नहीं करेगा अब अगर आपने कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ प्लस टू फोर आपने करवाना है आप टू प्रेस करेंगे की से फिर आप प्लस का साइन प्रेस करेंगे फिर अगेन टू प्रेस करेंगे फिर आप क्या करेंगे आपको रिजल्ट प्रोसेस होकर स्क्रीन पे शो हो जाएगा अब ये टू वैल्यू जो आपने सेंड किया कंप्यूटर को और अगेन प्लस जो आपने सेंड किया ऑपरेटर और फिर जो आपने टू वैल्यू सेंड की है तो ये तीन इंस्ट्रक्शंस चलेगी कंप्यूटर के पास अब कंप्यूटर के पास जब सी के पास ये इंस्ट्रक्शन जाएंगी तो उसको कहीं पर वो स्टोर करेगा मीन किसी जगह पे वो लिखी जाएंगी अब वो जगह कौन सी होगी दैट कैन बी कॉल्ड एस मेमरी यूनिट उसको हम मेमरी यूनिट का नाम देते हैं डेफिनेट बात है सीपी के अंदर होगा तो इसका मतलब बहुत स्मॉल साइज का होगा बट दिस इज द फास्टेस्ट मेमोरी आपके कंप्यूटर की सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो वही मेमोरी होती है जो आपके सी के अंदर होती है या सी से करीब तरीन भी आप उसको कह सकते हो ये चीज़ आपने याद रखनी है सो so, जो आपने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवानी है वो इंस्ट्रक्शंस आपकी इस मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर होती हैं ताकि सीपी जो भी उस पर फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहता है इजिली करवा सके द फास्टेस्ट मेमरी विच इज यूज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड रजिस्टर्स और इस मेमरी को हम क्या नाम देते हैं इसको याद रखिएगा नाम रजिस्टर का नाम देते हैं आप लोग घरों में रजिस्टर्स यूज करते होंगे उस पर आप अपने नोट्स लिखते होंगे तो उससे नाम को याद रखिएगा रजिस्टर हम कहते हैं और दिस इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के अंदर और भी मेमोरी की टाइप्स होती हैं मैं भी आगे चल के आपको बताऊंगा लेकिन याद रखिये सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो आपकी रजिस्टर्स कहलाती है क्योंकि आप कह सकते हैं कि रजिस्टर्स आर इनसाइड द सी और नियर टू द सी पी से रिलेटेड या सीपी के अंदर या सीपी से करीब तरीन जो आपकी रजिस्टर्ड मेमरी के अलावा कोई और मेमोरी नहीं होती बाकी मेमरीज रजिस्टर्स के बाद होती हैं ये चीज आपने याद रखनी है सम रजिस्टर्स आर यूज टू रीड राइट डेटा इन टू मेमरी अब रजिस्टर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है सिर्फ ये दो रजिस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और ये रजिस्टर्स क्या काम करते हैं ये डाटा को रीड और राइट करवाने के लिए यूज किए जाते हैं उनके नाम क्या है एम डी आर और एम ए आर इनके एब्रीवेशन स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपके एग्जाम से पूछी जा सकती है कि एम डी आर की एब्रीवेशन क्या है और एम ए आर वो किसकी एब्रीवेशन है सो एम डी आर इज मेमरी डेटा रजिस्टर एम ए आर इज मेमरी एड्रेस रजिस्टर्स एम और आर से तो मेमरी और रजिस्टर बनता है ये चीज तो याद रखिएगा डी और ए से आपने जो आइडेंटिफाई करना है डी फॉर डेटा और ए फॉर एड्रेस अब यहां पे क्वेश्चन ये होता है कि डेटा तो ठीक है जो प्रोसेस होना है मीन I mean मैंने कहा टू इंफॉर्मेशन टू प्लस टू होना है टू इज द डेटा व्हाट इज एड्रेस ये एड्रेस क्या चीज होती है तो स्टूडेंट्स एड्रेस के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि एड्रेस बेसिकली होता क्या है तो लेट्स ही देखते हैं उसके बारे में सो सबसे पहले हम बात करते हैं MDR की मेमरी डेटा रजिस्टर की फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेमरी एड्रेस रजिस्टर किया और उसके अंदर एड्रेस फिर क्या चीज है मेमरी डेटा रजिस्टर रीड्स डेटा फ्रॉम डाटा एंड स्टोर्स और राइट्स द डेटा इट कंटेन्स इन टू मेमरी सर्स अब किस मेमरी से डेटा उठाते हैं आपके रजिस्टर्स के बाद आपके पास कैश मेमरी भी होती है और रैम भी होती है तो नॉर्मली हम एज्यूम कर लेते हैं कि रैम से डाटा उठाते हैं और फिर रैम ही डाटा को स्टोर करता है फॉर एग्जांपल अगर आपने टू प्लस टू करवाना है उसमें स्टू जो है वो रैम के अंदर पहले जाएगा उसके बाद वहाँ से आपका रजिस्टर जो है उसको पिक करेगा और दोबारा से जो फोर रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी दोबारा से रैम के अंदर स्टोर होगा क्योंकि जो आपके वर्किंग एरिया होता है आपके कंप्यूटर का इनफैक्ट वो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि वो कैसे काम करती है तो ये चीज़ याद रखिएगा तो एम डी आर रजिस्टर आपका यही काम करता है वो डाटा को मेमोरी से रीड करवाता है और उसमें राइट भी करवा सकता है तो ये काम जो है एम डी आर रजिस्टर करता है तो याद रखिएगा इसका कॉन्सेप्ट एम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इट आइदर स्टोर द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच डेटा विल बी फेस्ड टू सीपीयू और द एड्रेस ऑफ विच डेटा विल बी सेंट और स्टोर्ड पहले तो कॉन्सेप्ट समझे कि एड्रेस क्या चीज है मेमोरी एड्रेस एक चीज याद रखिएगा आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी डाटा आपका मेमोरी के अंदर स्टोर होता है मीन मैं रैम की बात हूं रैंडम एक्सेस मेमोरी की उसके अंदर स्टोर होगा तो क्या होगा जहां पे वो स्टोर होगा उस जगह का कोई ना कोई एड्रेस भी लाजमी होगा ये चीज आपने याद रखनी है और जब भी सी पी कोई चीज फेच करना चाहता है तो वो इन रजिस्टर्स के थ्रू फेच करता है ये रजिस्टर पहले उसका एड्रेस फेच करते हैं कि किस एड्रेस पे वो इंस्ट्रक्शन मौजूद है वो एड्रेस जब पता चल जाता है उसके बाद फिर क्या होता है फिर आपका डेटा फेच होता है तो इस तरह ये दोनों रजिस्टर्स है ये दोनों मिल काम करते हैं ये इसी तरह के स्टूडेंट्स आप लोग भी घर में रहते होंगे आपके घर का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा अगर आपके स्कूल से कोई लेटर जाना है तो आपके घर के एड्रेस पे जाएगा पहले वो आपके घर के एड्रेस पे जाएगा नहीं ये काम होगा उसके बाद वो आप तक पहुंचेगा तो इसी तरह जो भी इंस्ट्रक्शन या डाटा आप स्टोर करते हो मेमोरी के अंदर वो किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर जाके स्टोर होता है और वो एड्रेस जो है वो आपका सी उसको पहले फैश करता है और फिर वहाँ से डाटा को पिक करता है तो ये चीज़ आपने याद रखनी अच्छी तरह तो ये कॉन्सेप्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर तो ये आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस क्या चीज़ है और डाटा क्या चीज़ है इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना इसको आपने इकट्ठा नहीं करना मीन एड्रेस और आपका जो डाटा है दीज आर डिफरेंट थिंग्स डाटा हर डाटा का कोई ना कोई एड्रेस होगा ये चीज याद रखिए इसको रियल टाइम अपने साथ मैप कर लें कि आप डाटा है और आपका जो घर है वो एड्रेस है तो दिस इज एम एड्रेस दिस इज एम डाटा तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं अब हम बात करते हैं ए एल यू की रेथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट नॉर्मली रजिस्टर्स रिजाइड इनसाइड द ए एल यू जो आपके रिस्टर्स होते हैं नॉर्मली वो ए के अंदर रिजाइड करते हैं फॉर अगेन हम लेते हैं इसी की कि फोर आपने करवाना है तो टू जो वैल्यू है वो भी रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी प्लस भी रजिस्टर के अंदर और आपका टू जो है नेक्स्ट वन वो भी रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा तो आपका ये काम है। जो addition, division, etc, etc, ये है ए एल यू परफॉर्म करता है मीन जो एडिशन सब्ट्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये मैथमेटिकल तमाम ऑपरेशन जो है वो ए एल यू परफॉर्म करता है इसीलिए इसको हम कहते हैं रेथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट लॉजिकल ऑपरेशन भी आपके जो ए एल यू परफॉर्म करता है और अर्थमेटिक भी ए एल यू ही परफॉर्म करता है तो ये चीज आपने याद रखनी है हमने बात की थी कंट्रोल यूनिट सिर्फ इन चीजों को कंट्रोल करता है बाकी तमाम ऑपरेशन जो होते हैं वो आपके ए एल यू के अंदर ही होते हैं तो इसका मतलब है कि रजिस्टर्स आपके जो वो इनसेट द एल यू ही यूज होते हैं अभी हमने दो रजिस्टर्स की बात की एम डी आर और एम बी आर की एक और रजिस्टर की हम यहाँ बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर इसको कहते हैं टी सी प्रोग्राम काउंटर काउंटर से आपको आइडिया हो जाना चाहिए थोड़ा सा कि काउंट कर रहा है ये मीन इसमें वैल्यूज इंक्रीज हो रही है तो क्या चीज है ये स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड सर अल्टीमेटली जो गोल है हमारे कंप्यूटर का वो ये है कि आपको फास्ट प्रोसेसिंग प्रोवाइड करे मीन आप कोई भी अगर एप्लीकेशन ओपन करते हैं या कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो आपको ये होता है कि उसका रिजल्ट आपको फॉरन मिले अब रिजल्ट फॉरन मिलने के लिए कंप्यूटर्स के अंदर क्या क्या, -क्या चीजें आपने एड की है ये उसी से रिलेटेड है इसमें ऐसे कि फॉर एक्जाम्पल मैं ये कहता हूँ अर्थमेटिक मेरी एक जो इंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरी है लॉजिक मैंने पहले अर्थमेटिक जो है इसको मैंने एग्जीक्यूट करवाना है तो इसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के अंदर होगा जब ये एग्जीक्यूशन फेज में चली जाएगी अर्थमेटिक की जो है इंस्ट्रक्शन तो फिर जो लॉजिक की इंस्ट्रक्शन है इसका एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएगा अभी ये एग्जीक्यूशन फेज में नहीं गई एग्जीक्यूशन फेज में जाएगी तो फिर आपके ये रजिस्टर इन्वॉल्व हो गए अभी ये उससे पहली फेज में मीन प्रीवियस जो है फेज है उसके अंदर ये मौजूद है कि नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस इसके अंदर मौजूद होता है मीन लॉजिक इंस्ट्रक्शन जहां पे स्टोर है उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर जब लॉजिक इंस्ट्रक्शन की बारी आ जाएगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू होगी तो इससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस इसके अंदर आ जाता है तो इस तरह ये प्रोग्राम काउंटर आपका काम करता है ये प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि एड्रेस बार बार उठाने के लिए टाइम जो है वो बच जाए जितना हो सकता है अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर मौजूद है और आपको पता है कि रजिस्टर्स आपके जो ए एल यू के अंदर मौजूद होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा बच सकता है इस तरह लेकिन अगर आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर नहीं होता तो एवरी टाइम आपकी एग्जीक्यूशन होती है तो फिर नेक्स्ट पहले वो रजिस्टर जो है क्या करेगा वो एड्रेस उठाएगा एड्रेस के बाद फिर डाटा उठाएगा लेकिन इस केस में एड्रेस ऑलरेडी उसने पिक कर लिया हुआ है तो डेटा उसने सिर्फ उठाना है तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा जो बच सकता है तो इसलिए हम प्रोग्राम काउंटर को यूज करते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन मेमरी लोकेशन सो दैट बाई एडिंग अ स्मॉल नंबर टू पी सी वी गेट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्मॉल नंबर को हम एड करते हैं ताकि प्रोग्राम जो काउंटर है वो इंक्रीमेंट कर जाता है नॉर्मली इसके अंदर फोर का भी हो सकता है इंक्रीमेंट टू का भी हो सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आप इंक्रीमेंट करके तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो फेच कर लेते हैं अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास इस बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है सो लेट्स सी सो द एडिशन ऑफ ए नंबर टू द वैल्यू इन द प्रोग्राम काउंटर इज डन बाय द यू ओनली ये काम ए एल है उसी की रिस्पांसिबिलिटी होती है तो आपको ए का कांसेप्ट ही होना चाहिए जो रजिस्टर्स हमने पढ़े हैं उन रजिस्टर्स के बारे में आपको कांसेप्ट हो जाना चाहिए अब अस्वेंट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी सिस्टम है रजिस्टर्स के अलावा अब उसकी बात करते हैं जिसमें रैम है रोम है और कैश मेमोरी है इन तीन मेमरीज की मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा ये मेमरीज किस लिए यूज होती है फर्स्ट वन इज रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वॉलीटाइल मेमोरी सबसे बड़ी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है वॉलीटाइल मेमोरी अब वॉलीटाइल का मतलब क्या होता है ये जरा समझ लीजिएगा बहुत ईजी है इसको समझना सिर्फ वर्ड आपके लिए शायद मुश्किल हो वॉलीटाइल लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है सर्स रैम आपकी एक ऐसी मेमोरी होती है कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक उसके अंदर जो डाटा मौजूद है रैम के अंदर वो मौजूद रहेगा जैसे आपने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया रैम के अंदर से तमाम डाटा जो है वो इरेज हो जाते हैं रैम आपकी फ्री हो जाती है और जब दोबारा आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो दोबारा से डाटा जो रैम के अंदर आ जाता है कहाँ से हार्ड डिस्क से तो ये चीज आपने याद रखनी है दैट्स देट्स इट इज कॉल्ड वॉलीटाइल मेमरी कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शट डाउन कर देते हो मीन अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो रैम के अंदर से तमाम डाटा इरेज हो जाता है खत्म हो जाता है तो इसका मतलब कि रैम आपकी जो मेमरी है वो टेम्परिरी बेस के ऊपर डाटा स्टोर करती है परमानेंट बेस के ऊपर डाटा स्टोर नहीं करती परमानेंट बेस के ऊपर कौन करते हार्ड डिस्क करती है जिसके ऊपर आप डाटा स्टोर करवाते हो सो द प्रोग्राम्स विल बी स्टोर्ड इन रैम और जो आपके प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं जब आपने कंप्यूटर को ऑन किया हुआ है तो वो तमाम प्रोग्राम्स आपके रन होते हैं रैम के अंदर इसीलिए रैम का साइज जितना ज्यादा होगा आपके प्रोग्राम्स को उतनी ज्यादा जगह मिलेगी आपका कंप्यूटर फास्ट स्पीड प्रोवाइड कर सकता है तो इस तरह आपकी जो रैम्स है टू जीबी फोर जी बी एट जीबी थर्टी टू जीबी भी हो सकती है सिक्सटीन जीबी और सिक्सटी फोर जीबी तक भी यूज होती है लेकिन नॉर्मली हम जो पर्सनल कंप्यूटर घरों में यूज करते हैं उसमें सिक्स या एट जीबी तक रैम जो है उसको यूज कर सकते हैं सेकेंड वन इज रोम रीड ओनली मेमरी इज यूज टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है रीड ओनली मेमरी सिर्फ रीड किया जाता है और सर इसका कॉन्सेप्ट जरा ले लीजिए इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमने ये बात की है कंप्यूटर कि कि जो है वो डम डिवाइस है मीन उसको जब तक इंस्ट्रक्ट ना किया जाए वो कोई काम नहीं कर सकता अब जब आपका कंप्यूटर ऑफ होता है आप उसको ऑन करते हो तो ऑन करने के बाद आप देखते हो कि कुछ फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं कुछ लाइट्स ब्लिंक करती हैं उसके बाद आपके कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो दिखाई देता है लोड हो गए अब ये इंस्ट्रक्शन आपने तो उसको नहीं प्रोवाइड की तो कैसे उस तक ये इंस्ट्रक्शन पहुंची फ्रेंड्स उसके लिए हमारे पास रोम जो है मेमोरी मौजूद है हमने रीड ऑनली मेमोरी के अंदर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दिए हैं और कहा यह गया है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी मिले तो रोम से वो तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए उन इंस्ट्रक्शन में यह कहा गया है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस उसको चेक किया जाएगा और उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मौजूद है कंप्यूटर के ऊपर उसको लोड किया जाएगा मीन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करवाया जाएगा तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो रोम से इन्फॉर्मेशन जो है वो पिक होती है और उसकी बेस के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको स्क्रीन पर नजर आता है ये चीज आपने भूलनी नहीं है लास्ट वन इज कैश मेमोरी इज मोर क्लोजर टू सी पी यू देन रैम वी कैन एक्सेस रिसेंटली एक्सेस्ड एप्लीकेशन मोर क्विकली कैश मेमोरी रैम और रजिस्टर्स के दरमियान में मौजूद होती है ये भी आपकी मोर क्लोजर होती है सीपीयू के बट रजिस्टर्स से ज्यादा क्लोजर नहीं होती रजिस्टर्स आपकी फास्टेस्ट मेमरी है जो इनफैक्ट सीपी यू के अंदर ही मौजूद होती है तो रैम से पहले आपकी कैश मेमरी होती है और सर थोड़ा सा मैं आपको ये हरारकी बता दूँ क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा हमने जो है वो मेमरी के बारे में इनफॉर्मेशन ली और बहुत ज़्यादा मेमरीज़ हमने पढ़ी कि हमारे पास ये रैम भी है हमारे पास कैशे भी है हमारे पास रजिस्टर्स भी है और हमारे पास हार्ड डिस्क भी होती है तो अब इसकी हैरारकी क्या बनती है मतलब सी पी यू को अगर कोई इंस्ट्रक्शन या कोई डाटा चाहिए तो वो किससे पिक करता है मीन वो रैम से करता है रजिस्टर से करता है वो हार्ड डिस्क से करता है वो आपके कैशे मेमरी से करता है किससे पिक करता है तो मैं आपको हैरारकी बता देता हूँ कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो मेमरी है उसकी हरारकी क्या होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज सी पी यू कर लें ये सीपी है उसके बाद सीपी से रिलेटेड जो नजदीकी आपकी मेमोरी है वो रजिस्टर की है देन कैश है देन रैम और फिर हार्ड डिस्क होती है और सबसे पहले सीपीयू ने अगर कोई भी डाटा जो वो एग्जीक्यूट करना है तो क्या होता है उसका इंटरेक्शन किसके साथ होता है उसके इंटरेक्शन होते हैं रजिस्टर्स के साथ ठीक है अब रजिस्टर्स के पास अगर वो इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है जो सीपी को चाहिए तो रजिस्टर्स किससे कॉन्टेक्ट करते हैं कैशे से ये काम होता है अब अगर कैशे के अंदर वो इंफॉर्मेशन या डाटा मौजूद नहीं है जो चाहिए सीपीयू को तो कैशे किससे कांटेक्ट करती है वो रैम के साथ और अगर रैम के अंदर भी वो इंफॉर्मेशन या डाटा मौजूद नहीं है तो रैम फिर हार्ड डिस्क से उस डाटा को पिक करेगी तो इस तरह यह काम जो परफॉर्म होता है अब जब हार्ड डिस्क एज्यूम करते हैं

और याद रखिएगा ये तमाम काम कौन करता है ये आपके कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है अगर विंडोज है तो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है वो ये काम कर रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये तमाम काम करता है कि इसको मैनेज करना तो जब रिप्लाई बैक होता है तो हार्ड डिस्क से डाटा जाएगा रैम के अंदर रैम क्या करेगा उस डाटा की एक कॉपी अपने अंदर स्टोर कर लेता है और ओरिजिनल डाटा को कैशे के पास भेज देगा यहाँ पे कैसे भी वही काम करेगी जो रैम ने किया है कैशे ने भी एक कॉपी अपने पास स्टोर कर दोबारा वही डेटा सीपीयू को, तो हो हो, को चाहिए होगा तो सीपीयू रजिस्टर से अगर रजिस्टर के पास नहीं है तो कैशे के पास आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि कैशे के पास जो वो डेटा मौजूद हो तो अब सीपीयू को जो रैम और हार्ड डिस्क तक जाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी यहीं से आपका रिप्लाई बैक हो जाएगा और आपका जो टाइम रैम को एक्सेस करने में लगा था और हार्ड डिस्क को एक्सेस करने में लगा था वो टाइम आपका बच जाएगा तो इसलिए आप देखिएगा कि अगर आप एक एप्लीकेशन रन करते हो और उसको फिर क्लोज कर देते हो और विद इन सेकेंड या विद इन मिनट्स के बाद आप दोबारा उसको जो ओपन करते हो तो पहले जितना उसे टाइम दिया था उससे कम टाइम में आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाती है ड्यू टू दिस रीजन की हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब आपने ओपन किया तो वो कैसे के अंदर से उसको एप्लीकेशन जो है मिल गई उसने वहीं से उसको ओपन कर लिया उसको हार्ड डिस्क पे जाना नहीं पड़ा तो फ्रेंड्स इस तरह ये हेरारिकल जो है हो काम होता है इसको आप याद रखिएगा इससे आपको आइडिया हो जाएगा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आपकी मेमरीज किस तरह काम करती है एक चीज याद रखनी है एग्जाम एक पॉइंट एक्जाम सबसे इंपॉर्टेंट वन कि फास्टेस्ट मेमरी आपकी जो होती है वो रजिस्टर्स होती है ये चीज आपने याद रखनी है क्योंकि रजिस्टर्स आर नीरा टू सीपीयू और सी नीरा टू भी आप कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं इनसाइड द सीपीयू रजिस्टर्स बेसिकली आपके केबीस में हो सकते हैं कैशे आपकी एमबीस में हो सकती है नॉर्मली रैम आपकी जीबीस में होती है और हार्ड डिस्क आपकी टीवीज में होती है ये नॉर्मली लेकिन इससे डिफरेंस भी हो सकता है ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट होने कि जो ये मैंने कहा है वही होगा लेकिन इससे डिफरेंस हो सकता है नॉर्मली हम कहते हैं क्योंकि जितना साइज कम होगा उतनी एक्सेस स्पीड जो है या रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा होगा मीन वो जल्दी रिस्पॉन्स कर देगा तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा लेक्चर था इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन आपका चैप्टर वन का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था इसके अंदर हमने सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस की बात की फिर हमने प्रोसेसिंग की बात की कि सीपीयू के अंदर कौन कौन से जो यूनिट है वो अवेलेबल है और वो काम कैसे करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी रजिस्टर्स की तो रजिस्टर्स को याद रखेगा जिसमें एम डी आर एम ए आर रिस्टर्स और प्रोग्राम काउंटर की हमने बात की फिर लास्ट में हमने मेमरी जो यूनिट है हमारे पास हमने उसकी बात की जिसमें हमने रैम की बात की रोम की बात की हमने कैशे मेमरी की बात की और फिर मैंने आपको बताई हैरारकी क्या है आपके कंप्यूटर के अंदर मेमरी की तो इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है इन कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिएगा क्योंकि इन फ्यूचर ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा यूज भी होंगे तो स्टूडेंट्स होपफुली आज के लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह